क्या हो रहा है? मेरे हल्का से धक्का देने पे मोंटू कैसे उड़ गया? मेरे हाथों में इतनी ताकत कैसे आ गई? ये सब कैसे हो रहा है? एक्सक्यूज मी सर। नहीं मोंटू, नहीं, नहीं। हाँ? अरे ये मेरी सांस की हवा से विक कैसे उड़ गई? क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है मुझे? मेरे हाथों में इतनी सारी ताकत। रेसलिंग चैंपियनशिप 2013 और प्राइज मनी है 1,00,000 रुपए। दोस्तों ये है यूएस के मशहूर अंतर्राष्ट्रीय रेसलर बटेंगल और ये कल हमारे बीच यूएसए रेसलिंग मैच खेलने के लिए मुंबई आ रहे हैं। हमारा चैलेंज है कि कर्ट एंगल को कोई भी नहीं हरा सकता और जो कर्ट एंगल से लड़ेगा उसे अपने पैरों पे रिंग में कम से कम 3 राउंड तक टिका रहना पड़ेगा। जो टिका रहेगा उसे हम 1,00,000 रुपया इनाम देंगे। और सुनिए सुनिए सुनिए, एक बार नाम देने के बाद वापस नहीं लिया जाएगा। जो अपना नाम वापस लेगा उसे हमें 1,00,000 रुपए देने होंगे। है कोई हिम्मत वाला जो हमारे कट एंगल के साथ लड़ सके और कोई ये 1,00,000 प्राइस जीत सके? कोई है आप लोग में से? इसके साथ जो लड़ेगा वो जिंदगी में कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। पर मुझे क्या, मुझे तो महेश की माँ ने कहा था कि शक्तिवर्धक काढ़ा लेके आना। बड़ी मुश्किल से मिला है तू भाई, बड़ी मुश्किल से। 1,00,000 रुपया जीतने का मौका है। आइए ये 1,00,000 प्राइज जीत सके, कोई है आप लोग में से? आइए आइए आगे बढ़िए। ओहो, ये कर्ट एंगल पागल आदमी होगा जो इसके साथ लड़ेगा। बाबूजी, अच्छा वो बाबूजी यहीं पे मिल गए। मैं अभी उन्हें बताता हूँ कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। बाबूजी, देखा बस कितनी ताकत आ गई है रॉकी चाचू में। हाँ, चलो। यही है, यही है वीर बहादुर, बड़े दिल वाले और लकी इंसान जो जीत सकते हैं 1,00,000 रुपए। अरे मैं यहां कैसे आ गया? तालियां। दोस्तों ये दिखने में बुजुर्ग है लेकिन इनमें हिम्मत नौजवानों से बढ़कर है। मैं आपको सलाम करता हूँ और ये ऐलान करता हूँ कि यही कट एंगल के साथ फाइट करेंगे। मैं नहीं लड़ूंगा। अरे आप पीछे नहीं हट सकते, आपको ही लड़ना पड़ेगा। अरे लड़ेगा मेरा ठेंगा। ये तो अटक गया। ये मैंने क्या कर दिया, अब मेरी वजह से बाबूजी भी फंस गए। देखिए इनका ये थम्स अप ये बता रहा है कि ये पूरे जोश के साथ लड़ने के लिए तैयार है। तालियां।
आपका नाम? अमृतलाल डगली। तो दोस्तों कल होगा अमृतलाल डगली और कट एंगल का मुकाबला, तो बजाइए अमृतलाल डगली जी के लिए तालियां। तुम्हें तो हमने आकाश चक्र में भेजा था ना छलपरी, फिर तुम जीवित कैसे बच गई? तुम्हारी सच्चाई के सुरों में इतनी शक्ति नहीं कि वो मेरी बुराई की धुन को बजने से रोक सके। लेकिन अब तुम हमारे वार से नहीं बचोगी। परी भटकाती परी अब छलपरी को बचा रही है। अरे अटकाती परी भटकाती परी अब दुश्मन का साथ दे रही है। वो इसलिए साथ दे रही गाल परी क्योंकि अटकाती परी और भटकाती परी छल परी के वश में। उनकी आंखें देखिए, अब हम क्या करेंगे विस्तार परी? कैसे तोड़ेंगे छलपरी का सम्मोहन? कैसे लाएंगे इन्हें होश में? होश तो तुम्हारे उड़ेंगे जब तुम मेरी नई धुन सुनोगी। अटकाती परी, अटका दो गाल परी और विजधार परी को। जो आ गया छलपरी। नहीं, ये आप क्या कर रही हैं अटकाती परी? आप इस दुष्ट छलपरी की बातों में मत आइए। हमारी बात तो सुनिए। शाबाश अटकाती परी, अब तुम दोनों मेरी वशीकरण बांसुरी की धुन में खो गई हो और मेरी गुलाम बनने को तैयार हो जाओ काल परी और विजधार परी। अब तुम दोनों मेरे वश में हो काल परी और पिछधार परी। हम आपके वश में हैं। तो बताओ बाकी परियां कहां हैं? रानी महल। तो चलो, देर किस बात की है? रानी महल चलकर बाकी परियों को भी अपनी सुरीली धुन के वश में कर लेते हैं। चलिए चल परी, हम आपके साथ हैं। चलो। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है,
समझ में नहीं आ रहा, मेरी वजह से बाबूजी भी फंस गए। ये टॉनिक पीकर मैं सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, वैसे ही जैसे वो बच्चा और रॉकी चाचू हुए थे जब मैंने उनके गोले के अंदर एक टॉनिक डाला था, और सारे बच्चों को परेशान करूंगा क्योंकि मैं ताकतवर रहूंगा, सबसे ताकतवर। अच्छा तो इस टॉनिक की वजह से मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ, और अब इस टॉनिक को पीके मोंटू सारे बच्चों को परेशान करेगा। ठीक है रुक जाओ मोंटू, अब मैं बताता हूँ कि जब इस ताकत की सही इस्तेमाल होता है तो फिर क्या होता है। मोंटू रुक जाओ, लो गई भैंस पानी में, आई मीन बॉस पानी में। बॉस लगता है रॉकी चाचू ने हमारी बातें सुन ली है। तो क्या हुआ, ये टॉनिक पीने के बाद मैं उनसे भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। अच्छा वो तो तब होगा ना जब तुम इस टॉनिक को पी पाओगे। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मोंटू आज तक कभी नहीं भागा। भागो भागो भागो, लेकिन भाग के जाओगे कहाँ तुम लोग? कुछ भी करो लेकिन हमें चाचू के पास जाने से रोको। बॉस टॉनिक, टॉनिक लगता है उधर पीटने के बाद ही पियेंगे। अरे बॉस मेरा मतलब है कि जल्दी टॉनिक पियो। अच्छा ये लो, मोंटू लो मुझे टॉनिक दो। नहीं नहीं दूंगा, नहीं टॉनिक दो, नहीं दूंगा। अच्छा ये लो चाचू, दो मुझे दो, मोंटू मुझे टॉनिक दो, दो मुझे दे रहा हूं। चाचू चाचू मुझे छोड़ दो, आप तो मेरे फ्रेंड हो ना, मुझे लो, ये लो। सुनो मोंटू, दोबारा तुम लोगों ने किसी भी बच्चे को परेशान किया तो नहीं करेंगे। समझ गए समझ गए। मैं हो गया ताकतवर, अरे वाह मजा आएगा मजा आएगा। जोर लगा के आयशा, जोर लगा के आयशा, जोर लगा के आयशा। अरे रुको 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 रुको, पहले उतारो इसे, पहले उतारो उतारो, आराम से आराम से आराम से आराम से। अरे कर क्या रहे हो तुम लोग इस मायावी ताले के साथ, है लगाना कहाँ इसे तुम्हारे मुंह पे है? मेरा मतलब है कि शुक्र है तुम्हारे मुंह पे आई हुई सूजन खत्म हो गई। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर मिल गए, हम ढूंढ रहे थे तुम्हें। मुझे? हाँ क्यों? क्योंकि लगाना है ताला तुम्हें। मुझे? नहीं नहीं, लगाओगे ताला तुम मुझे? नहीं 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 नहीं, सेनापति जी नहीं। हमारा कहना ये है कि तुम्हें लगाना है ताला शस्त्रागार में। हाँ हाँ है ठीक, तो लाओ। क्या चाबी? नहीं नहीं, नटखट परी द्वारा दी गई महाशक्तिशाली ईंधन की सीसी रख देते उसे अंदर और लगा देते शस्त्रागार में ताला। अरे हाँ, इस चोट के चक्कर में गया था भूल में नटखट परी के महाशक्तिशाली ईंधन के बारे में, क्या रखना था उसे शस्त्रागार में। पर कोई बात नहीं, अभी देता हूँ मैं उसे।
चली कहाँ गई है महाशक्तिशाली ईंधन की शीशी मेरी जेब से? हाँ, कहीं गिर तो नहीं गई वो पृथ्वीलोक पे? अब होगा क्या मेरा? अगर मिल गई किसी को तो मेरी खैर नहीं, अब करूँ क्या मैं, करूँ क्या? डुबा डुबा है, कहाँ गई शक्तिशाली ईंधन की शीशी? क्या है ना डुबा डुबा चार है रखी मैंने महाशक्तिशाली ईंधन की शीशी नटखट परी के कक्ष में। अभी जाता हूँ वहाँ और लेकर आता हूँ उसे वहाँ से। ठीक है, जल्दी जा और जल्दी आओ। हाँ तो जाओ। हाँ जा रहा हूँ। है तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे डुबा डुबा चार, पहले ही नाराज है बालवीर मुझसे। ऊपर से अगर पता चल गया परियों को कि खो गई है मुझसे महाशक्तिशाली ईंधन की शीशी तो देगी बाल परी मुझे कड़ी सजा। ढूंढनी पड़ेगी वो शीशी, ढूंढनी पड़ेगी वो शीशी। मेरी वजह से बाबूजी इतने परेशान हैं, सिर्फ मेरी वजह से। चाचू, आपको पता है कल हमारे एरिया में इंटरनेशनल रेसलर कट एंगल आ रहे हैं? हाँ। क्या? हाँ। और ये वही कट एंगल है जिसने आज तक कम से कम 100 लोगों की हड्डियां तोड़ी है। अरे हाँ दादा जी, हर मैच में वो सामने वाले की 10 हड्डियां तो तोड़ता ही। क्या? हाँ, 10 हड्डियां टूटी तो जोड़ने में 10,000 का नुकसान। अरे यहाँ मेरी हड्डियां टूट रही हैं और तुम्हें पैसे की पड़ी है। अरे लेकिन बापूजी आपकी हड्डियां क्यों टूटेगी? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हड्डियां नहीं, कुछ और भी तोड़ सकता है ना। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हड्डियां ही तोड़े, क्योंकि पिछली बार मैंने टीवी पर देखा था कोर्ट एंगल ने अपने सामने वाले प्लेयर को ऐसे गर्दन फोड़ दिया था। आप क्यों डर रहे हो? आपको थोड़े वो पहलवान से कुश्ती करनी है। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि कल मैं उसके साथ कुश्ती लड़ने वाला हूं? बेचारे बाबूजी को मेरी वजह से उस कर्ट एंगल से लड़ना पड़ेगा, पर मैं क्या करूं, कैसे रोकूं उस मैच को? पर मैं क्या कह रही हूं कि आप उस पहलवान से कुश्ती कर ही लो। क्यों? वो क्या है कि मैं आपके लिए वो शक्तिवर्धक काढ़ा लाई हूँ, वो शरीर पे असर करता है कि नहीं उसका भी रेस्ट हो जाएगा ना। दादी रेस्ट नहीं, टेस्ट। हाँ, और उसके साथ लड़ने के बाद मुझे अस्पताल में जाके बिस्तर पे रेस्ट करना पड़ेगा। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए शक्तिवर्धक काढ़ा लाती हूँ। काढ़ा वाड़ा मैं बाद में देख लूंगा, कहाँ भागा जा रहा है। भागो, भागो, भागो! पर क्या हुआ? अरे बापूजी आपने जो किया है ना उस वजह से हम सबको भागना पड़ेगा। ये देखिए, अमृतलाल डगली वर्सेस कोर्ट एंगल।